नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार्ट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक छोटी सी कंपनी के बारे में, स्मॉल कैप कंपनी जो कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड है दोस्तों, उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसका हम कंपेरिजन करेंगे इन्फोसिस कंपनी के साथ। इन्फोसिस जो कि दोस्तों दिग्गज है, TCS कंपनी के बाद इन्फोसिस का ही नंबर आता है दोस्तों इंडिया में, अगर आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी के बारे में बात की जाए तो इनको दोस्तों हम कंपैरिजन करेंगे, दोनों का डाटा देखेंगे। और फाइनेंशियली जो ये स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों काफ़ी स्ट्रांग है, फाइनेंशियली जो रेशियो है वो इन्फोसिस से काफ़ी इसके अच्छे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि इन्फोसिस एक खराब कंपनी है, इन्फोसिस एक बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन इसके फाइनेंशियल रेशियो अच्छे हैं, इसलिए दोस्तों हम इसके कंपैरिजन करेंगे इन्फोसिस से। और कंपैरिजन किससे किया जाता है? कंपैरिजन उन्हीं कंपनियों से किया जाता है जो कि बहुत अच्छी कंपनियां होती हैं। तो इन्फोसिस एक बहुत अच्छी कंपनी है और इसीलिए मैं दोस्तों इस छोटी सी कंपनी का क्या कर रहा हूँ, कंपैरिजन कर रहा हूँ इन्फोसिस कंपनी के साथ। और हम लोग ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि क्या ये जो कंपनी है वो इस तरह से कभी नेक्स्ट जो है इन्फोसिस बन पाएगी। और मार्केट में दोस्तों TCS है, इन्फोसिस है, और ये छोटी सी कंपनी, इसमें से किसको खरीदना चाहिए दोस्तों ये भी थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेंगे। छोटे छोटे शेयर भी दोस्तों आईटी सेक्टर के मैंने बताए थे, जैसे कि एरन लिमिटेड और जो ब्राइटकॉम ग्रुप है, कौन सा खरीदना है कौन सा बेचना है उसके बारे में भी बताया था। लेकिन कई लोगों की यहाँ पे डिमांड थी, कई व्यूअर्स की यहाँ पे डिमांड थी कि आप थोड़ा सा एक स्मॉल कैप कैटेगरी में बताएं, क्योंकि वो जो जैसे ब्राइटकॉम ग्रुप है, एरन लिमिटेड, वो पैनी स्टॉक में आ जाते हैं, जैसे फिर TCS है, इन्फोसिस है, ये थोड़ा लार्ज कैप में है। तो इनका कहना था कि आप थोड़ा सा हमें बताएं कि एक ऐसी कैटेगरी में, स्मॉल कैप कैटेगरी, जहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लिया जा सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ और ले चलता हूँ सीधे वीडियो में आपको आगे। सबसे पहले इन्फोसिस। तो इन्फोसिस बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों, ₹700 का इसका करंट मार्केट प्राइस है और दिग्गज कंपनी इसको हम लोग मान सकते हैं। तो क्या दोस्तों ये जो छोटी सी कंपनी है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, क्या वो भविष्य में आने वाले टाइम में इन्फोसिस जितने रिटर्न हम लोगों को दे पाएगी? जैसे इन्फोसिस ने करोड़पति बनाया दोस्तों अपने इन्वेस्टर को, अपने शेयर होल्डर को प्रीवियस टाइम में, उसी तरह से क्या ये करोड़पति बना पाएगी दोस्तों? तो इसके फाइनेंशियल रेशियो के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लेंगे किसका दोस्तों, इन्फोसिस का 298,000 से ज़्यादा का है दोस्तों, 298,542 करोड़ रुपए से ज़्यादा का। अब जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, कंपनी का नाम है सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड। आप लोगों ने नाम सुना होगा, छोटी सी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी, मार्केट प्राइस चल रहा है ₹230 का और लगभग 5.5% की उछाल देखने के लिए मिली थी दोस्तों 16 जून 2020 को, ₹12 की उछाल यहाँ पे देखने के लिए मिली है। और आज की डेट है 17 जून 2020, अभी मार्केट दोस्तों ओपन नहीं हुआ है। तो सोनाटा का दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन है मात्र 2,419 करोड़ रुपए का, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, काफी छोटी सी ये कंपनी है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर सोनाटा का देखा जाए तो 11 के करीब है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो दोस्तों इन्फोसिस का 19 के करीब है। इन्फोसिस बहुत बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, इसलिए ये प्रीमियम वैल्यूएशन पे हमेशा मिलेगी दोस्तों। सोनाटा एक छोटी सी कंपनी है, वो चीप वैल्यूएशन पे हमें यहाँ पे मिल रही है। डिविडेंड यील्ड की बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि फाइनेंशियल रेशियो इस स्मॉल कैप कंपनी के, छोटे कंपनी के बहुत अच्छे हैं। डिविडेंड यील्ड दोस्तों इन्फोसिस के 2.5% की है और सोनाटा की अगर बात करें तो 5.55% की है, यानी कि सोनाटा जो है दोस्तों हाई डिविडेंड यील्ड एक स्टॉक है। अब कैश और डेट के बारे में भी बात करेंगे। सोनाटा के पास दोस्तों कैश है 86 करोड़ रुपीज़ के करीब और डेट है 0 करोड़ का, यानी कि ये एक डेट फ्री कंपनी है और कैश रिच कंपनी है। तो इन्फोसिस के बारे में बात कर लेते हैं, इन्फोसिस भी दोस्तों एक कैश रिच कंपनी है और डेट फ्री ये स्टॉक है। अदर दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करें तो इन्फोसिस की प्रमोटर होल्डिंग मात्र 13% के करीब है, वहीं सोनाटा की भी जो दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग है 28% के करीब है। मतलब यहाँ पे जो प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों दोनों में कम है, और 40% में मानता हूँ दोस्तों, एक जर्नल आइडिया लेके चलता हूँ कि 40% के करीब होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 28% की है।
अब दोस्तों जो पिछला साल गया है उसकी सेल्स ग्रोथ की अगर बात की जाए तो जो सोनाटा सॉफ्टवेयर है उसकी सेल्स ग्रोथ हुई है दोस्तों 20% के करीब, और इन्फोसिस की सेल्स ग्रोथ हुई है दोस्तों मात्र 8% के करीब। अब इन्फोसिस एक बड़ी कंपनी, उसका मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया होगा दोस्तों, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन जो सोनाटा सॉफ्टवेयर उसका भी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा, वो भी काम कर रहे हैं दोस्तों। दोनों कंपनियों का सेल्स ग्रोथ देखा आपने किस तरह से है, इन्फोसिस का काफ़ी कम है सोनाटा सॉफ्टवेयर से। अब रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात की जाए तो 24% का है इन्फोसिस का, और सोनाटा की अगर बात की जाए तो दोस्तों 33% से ऊपर का है। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि कितनी बेटर कंडीशन में ये यहाँ पे है। होता क्या है दोस्तों कि जब कंपनियाँ बड़ी हो जाती हैं, लार्ज हो जाती हैं, तो उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है, जबकि जो स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं उनकी ग्रोथ काफ़ी हाई होती है। लेकिन स्मॉल कैप कंपनियां सारी की सारी ग्रो करें ये कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों। हो सकता है कि 100 स्मॉल कैप कंपनियों में से 5-10 ही ग्रो करें और जितनी बाकी बच जाती हैं वो ख़त्म हो जाए, तो इस तरह का रिस्क यहाँ पर बना रहता है। जबकि जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं वहाँ पर भले ही ग्रोथ कम हो लेकिन उनकी ग्रोथ सबकी होती है। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख लेते हैं दोस्तों हम, सोनाटा सॉफ्टवेयर का 46% से ज़्यादा का है और इंफोसिस का अगर हम देखते तो मात्र 32% का ही है दोस्तों। तो सारे फाइनेंशियल रेशियो जो भी अभी तक हमने डिस्कस किए हैं सभी में आगे है दोस्तों सोनाटा सॉफ्टवेयर। प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात की जाए तो इंफोसिस की प्रॉफिट ग्रोथ मात्र 6% के करीब है, 6% के करीब, और प्रॉफिट ग्रोथ पिछले साल की है दोस्तों सोनाटा सॉफ्टवेयर की लगभग 14% के करीब। तो ये सारे फाइनेंशियल रेशियो थे दोस्तों जहाँ पे कि कंपैरिजन करना था, और जिस तरह से मैंने बताया था दोस्तों कि ये फाइनेंशियल रेशियो में इन्फोसिस से अच्छी कंपनी ये है दोस्तों, इन्फोसिस से बेहतर ये है। तो यहाँ पे दोस्तों मुझे लगता है कि पैसा लगाने का ये आखिरी मौका है, क्योंकि काफ़ी तेज़ी स्टॉक यहाँ पे भाग रहा है, लगभग 5.5% की उछाल बहुत बड़ी होती है दोस्तों यहाँ पे। इस तरह से यहाँ पे अगर इन्वेस्ट किया जाए तो बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। अब इस कंपनी की वेबसाइट पे आप लोगों को लेके आया हूँ, ये इसकी वेबसाइट है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें ये करती है। कुछ काम मैं इसके बता देता हूँ कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ को ये अपने सर्विसेज प्रोवाइड करती है। देखो जैसे तो रिटेल है दोस्तों, डिजिटल रिटेल सॉल्यूशन इनेबल्ड बाई बेस्ट इन क्लास प्लेटफॉर्म, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग फील्ड को, ट्रैवल फील्ड को, ISV एंड सर्विसेज इंडस्ट्रीज, इन सारे को ये क्या करती है अपनी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कंपनी है दोस्तों, IT कंपनी है, और इनको अपनी सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड करती है सोनाटा सॉफ्टवेयर। छोटा सा स्टॉक है, काफ़ी बार आप लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में, काफ़ी न्यूज़ में रहता है दोस्तों। और यहाँ देख लीजिए इनकी ये वेबसाइट है, और काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को जिस तरह से मैंने बताया पहले ही आप लोगों को कि ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ में दोस्तों कुछ अदर रेशियोज़ भी इसके देख लेते हैं थोड़ा सा कि किस तरह से इसकी ग्रोथ यहाँ पे रही है। तो ये सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, ROE और ROCE है दोस्तों। तो सारी चीज़ें 5 सालों का अगर एवरेज देखा जाए सेल्स ग्रोथ का तो 19% का है, प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखी जाए दोस्तों ये 5 सालों की तो 26% से ज़्यादा की है। वहीं बात की जाए अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की 5 सालों की तो 32% की है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5 सालों का 42% का है। यानी कि फाइनेंशियल रेशियोज दोस्तों इस कंपनी के सारे बेटर कंडीशन में हैं। तो ये तो रही फाइनेंशियल रेशियोज़ के बारे में बात, इसका थोड़ा सा हम रिटर्न देख लेते कि 5 सालों में किस तरह से इस कंपनी ने परफॉर्म किया है। 5 साल पहले दोस्तों ये मात्र 130 रुपये पे ट्रेड कर रही थी, और अभी इतना करेक्शन होने के बावजूद 230 रुपये पे ट्रेड कर रही है। अदरवाइज दोस्तों इसने अपना जो 52 वीक का हाई 335 के आसपास बनाया था, तो 2 गुना से ज़्यादा अपने शेयर होल्डर के पैसों को इस कंपनी ने कर दिया था 5 साल के अंदर अंदर। तो ये कंपनी है दोस्तों सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड, और इन्फोसिस से बेटर इसके फाइनेंशियल रेशियोज हैं। कुछ अदर डेटा भी देखेंगे दोस्तों, जैसे कि हम सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग में मैंने जैसे आपको बताया था 28% प्रमोटर के पास है दोस्तों, पब्लिक के पास है 46% के करीब। अब देख लीजिए यहाँ पे इतनी छोटी कंपनी है, और DII और FPI FII ने भी यहाँ पे दबा के माल उठा रखा है। DII के पास है दोस्तों 13% के करीब, FPI और FII के पास है 11% के करीब दोस्तों। तो सभी लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है। DII में बता देना चाहता हूँ दोस्तों आप लोगों को, जैसे कि हमारे जो
इंश्योरेंस सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े बैंक हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, ये यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए। इससे दो चीज़ें होती है दोस्तों, एक तो आप लोगों को हमारे चैनल के सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं और हम लोगों को इंकरेजमेंट मिलता है और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। अब दोस्तों पिछले 4-5 सालों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग इनकम आप लोगों के सामने लगी हुई है, हम पिछले 2-3 सालों का यहाँ पे देख लेते हैं। अगर 2017-21 की ऑपरेटिंग इनकम देखी जाए तो 592 करोड़ रुपए की थी और 2019 में दोस्तों ये हो गई थी 829 करोड़ रुपए की, यानी कि ऑपरेटिंग इनकम इस कंपनी की साल दर साल इंक्रीज होती चली जा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो 181 करोड़ के इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था 2016 में, और 2019 में दोस्तों ये हुआ है 245 करोड़ रुपए का, सॉरी दोस्तों 121 हुआ है 2017 में, 121 181 करोड़ रुपए का और 245 करोड़ रुपए की ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनकी जो हुई है वो है 2019 में। 2020 का डाटा दोस्तों अभी तक आया नहीं है, जैसे ही यहाँ पे 2020 का डाटा आ जाता है आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कंपनी के एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ रहे हो, तो उससे क्या होगा कि भले ही किसी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर इंक्रीज हो रहा हो और उसके जो एक्सपेंडिचर हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं तो बेनिफिट ज़्यादा नहीं होगा शेयर होल्डर को, क्योंकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होगा वहाँ पे कम हो जाएगा। तो नेट प्रॉफिट भी चेक करना यहाँ पे दोस्तों ज़रूरी रहता है। तो नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए दोस्तों तो साल दर साल इसका इंक्रीज़ होता चला जा रहा है, और यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिनल डिक्रीज़ हुआ था 2017 में, लेकिन अगर आप यहाँ 2015 में 117 करोड़ रुपये का था और 2019 में अगर देखें तो 172 करोड़ रुपये का ये इसका नेट प्रॉफिट है दोस्तों। तो अर्निंग पर शेयर भी यहां पे देख लेते हैं। अर्निंग पर शेयर दोस्तों इसका 2015 में 11 रुपए का था, जो कि इंक्रीज होके 17 रुपए पर इक्विटी शेयर का हो गया है 2019 में दोस्तों, यानी कि साल दर साल ये कंपनी अच्छा करती चली जा रही है। रिजर्व्स के बारे में और बोरोविंग के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने कहा था कि ये कैश रिच कंपनी है, तो यहाँ पे इसका देख लीजिए दोस्तों 346 करोड़ रुपए के कैश थे 2015 में, और 2019 में ये हो गए 522 करोड़ रुपए के। बोरोविंग दोस्तों हमेशा जीरो रही है, कभी उधार ये लेता ही नहीं है, डेट फ्री ये कंपनी है दोस्तों। तो कंपनी का नाम आप लोगों को पता ही है दोस्तों, सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड, 230 रुपए का करंट मार्केट प्राइस और मार्केट कैपिटलाइजेशन 2419 करोड़ रुपए का, स्मॉल कैप कंपनी और नेक्स्ट इन्फोसिस बनने के लिए तैयार ये कंपनी है दोस्तों। जिस तरह से इसके फाइनेंशियल रेशियोज हैं काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में ये कंपनी है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एनालिसिस आप लोगों को कैसी लगी और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।